YouTube चैनल आज मैं बताने वाला कि भाई लड़की खुद कैसे आपसे पड़ जाए, कैसे इम्प्रेस हो जाए, आपके पीछे पागल कैसे हो जाए। बट बहुत ट्रिक आजमा लियो, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे स्क्रिप्ट पढ़ चुके, बहुत सारी स्टोरी देख चुके, बहुत सारे टिप निकाले अपने फ्रेंड से, बट कुछ फर्क नहीं हो रहा। लड़की आपको भाव तक नहीं दे रही है, वो खुद आपसे पड़ जाएगी। यार आपने पांच टिप्स को फॉलो किया ना, 101% बंदी आपको एक वीक में पड़ जाएगी। और आपने ये चीज फॉलो किया तो ये पांच स्टेप स्टेप बाय स्टेप करना, लड़की आपसे इंप्रेस नहीं हो रही तो। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो गाइस सबसे पहली बात, आप लड़की को लाइक करते हो बट आप बात करने से डरते हो, आप शर्माते हो, आप सोचते हो, आपकी थिंक सबसे बड़ी बात कि आप सोचते हो कि यार मैंने ऐसी कुछ बात की, कुछ मेरे मुझसे गलत ना निकल जाए, मैं कुछ बोल दूँ, ब्लॉक ना कर दे, स्टार्टिंग का टाइम है, मैं उसको इंप्रेस करना चाहता हूँ, इमेजिनेशन लगाने लगते हो, खुद के माइंड में डरते हो, ओपनली बात नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, लड़की को वही तो पसंद है, फ्री माइंडेड बात करना। बंदा जब फ्री माइंडेड बात नहीं करोगे, जब लड़की को मजा नहीं आएगा तो आपके कैसे बात करेगी, आपके बातों में उसको इंप्रेस कुछ नहीं लगेगा तो कैसे बात करेगी। सबसे पहली बात, फ्री माइंडेड बात करो, विदाउट फ्री माइंड कुछ नहीं होना रिलेशन में। लड़की कुछ भाव नहीं देगी यार, आपके बात में मजा ही नहीं है तो आप शर्मा रहे बाबू सब, मतलब भाई सब चीप चीज थिंकिंग मत करो। बाबू सोना प्रिंसेस बाबू सब हीरोज को हीरोइन बना देते, प्रिंसेस बना देते, कॉमन लड़की से ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे बात नहीं कर पा रहे ना, इसको कॉमन लड़की से सोचो, आप इजीली बात कर पाओगे बंदी से विदाउट कुछ सोचे, बिना सोचे डायरेक्टली बात करना सीखो। घुमा फिराने के बाद डायरेक्टली बात करके लड़की को ऐसा पसंद है कि फ्री माइंडेड बात करना बंदा पसंद है। आप सोचोगे ऐसा वैसा नहीं, थिंक क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली बात करो यार बंदी से, वो खुद इंप्रेस होगी आपके बातों पर, आपके बात में मजा है तो। आप शर्माओगे तो लड़की बात ही नहीं करेगी ना। अब सेकेंड चीज, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है भाई रिलेशन में। क्या होता है, लड़की को एटीट्यूड वाला बंदा पसंद है। ऐसा नहीं यार कि नहीं आया चिपकू जैसा, मुंह धर लेके आया, चिपक रहा आपको बार बार, बाबू सुना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने के लिए, ऐसे लड़की को लड़का नहीं पसंद आता। आपके बात में एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपके बोलने का तरीके में एक एटीट्यूड होगा ना, लड़की को पसंद आता है। कैसा होता है पता है, कोई कोई लड़के ना 2 घंटे में भी लड़की को इंप्रेस कर जाते हैं, बात करने का तरीका, एक एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आप में खुद एटीट्यूड नहीं है, आपके खुद एटीट्यूड नहीं तो लड़की तो आपको एटीट्यूड दिखाएगी ना, को भाव तक नहीं देगी, देखकर भी इग्नोर करेगी। जब आप में एक एटीट्यूड होगा लड़की खुद अट्रैक्ट करेगी। लड़कियों को एटीट्यूड लड़का पसंद है, बाबू छूना करने वाला नहीं पसंद है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, वो रिलेशन में भी आप सोचोगे ना कि नहीं यार मैं एटीट्यूड रखूंगा लड़की मुझे भाव नहीं देगी, अरे ऐसा एटीट्यूड रखोगी लड़की खुद पीछे पड़े देख, अरे थोड़ा एक एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा रिलेशन। तो रिलेशन में एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी, लड़की को इंप्रेस करना है ना तो एटीट्यूड से करो। लड़के एटीट्यूड करके भी लड़की को इंप्रेस करते हैं, वैसे आप भी करो, विदाउट एटीट्यूड कुछ नहीं होने वाला। अब थर्ड चीज़ क्या होता है, लड़की से आप बातचीत बहुत करते हो सोचते हो, बट क्या होता है लड़की के साथ ना आप जब बात करते हो तो सबसे पहले बात घुमाना और बात को बढ़ाना कैसे वो आपको सीखना है। समझो लड़की ने आपको पूछा कि आपने खाना खाया, तो आप कैसे इजीली मैसेज करते हो सबके साथ बोरिंग टाइप, हाँ मैंने खाया, तो इसमें बात क्या बढ़ेगी यार। फिर आप पूछोगे हाँ आपने खाना खाया, उससे बोल के हाँ टॉपिक क्लोज, ऐसा बात करने का तरीका ही नहीं होना चाहिए। जब लड़की आपको पूछ रही है कि खाना खाया, तो आपको पूछ आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं मैंने नहीं खाया, आपका ही तो वेट कर रहा था। जब बात बढ़ती है वहाँ पर लड़की कुछ बात बढ़ेगी, फिर बात बढ़ेगा, और वो पूछेगी क्या कर रहे थे, तो आपको बोलेगा अरे नहीं कुछ नहीं बैठा था, इसमें कुछ बात बढ़ी नहीं। लड़की को मजा नहीं आ रहा ना, जब तक बात बढ़ेगी नहीं जब तक फिर लड़की इंप्रेस कैसे होगी। लड़की को बात बढ़ेगी ना तब लड़की को इंटरेस्ट आता है। तो आपको क्या करना, बात बढ़ानी, लड़की आप क्या कर रहे थे, अरे आपको ही तो याद कर रहा था यार एक बात, तो फिर बोल गया वो ऐसा क्या, फिर बात बढ़ती है। तो कोई भी चीज़ को बात बढ़ाओ, लड़की इंटरेस्ट लेनी चाहिए आपके बातों में। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगा तो लड़की कैसे इंप्रेस होगी आप पे, कैसे अट्रैक्ट होगी आपके ऊपर, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें। अब फोर्थ चीज़, केयरिंग बनो, उसके सामने थोड़ा केयरिंग रहो। लड़की को पसंद आता है कि आप किसी की केयर कर दो, आप किसी के भी आपको ऐसा दिल आपको मतलब साफ रहे, किसी के भी हेल्पफुल रहो, आप हेल्प करो। लड़की को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें कि आप हेल्पफुल हो, सबकी केयर करते हो, उसकी भी केयर करते हो एज अ फ्रेंड। पहले ही मेरी से मत बना लो यार भाई बंदी को पटाना है, उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पागल हो चुके उसके पीछे, नहीं इजीली ट्रीट करना एज अ फ्रेंड, कुछ भी नहीं भाई बंदी पटना है ना वो पटेगी, बट आप पहले सोचोगे ना इमेजिन करोगे ना कि नहीं भाई ये मेरी बंदी है ऐसा वैसा, नहीं लड़की को नहीं पसंद है चिपकू लड़का। अरे आपने कभी देखा है बैड बॉय लड़के, देखा लड़की को सबसे ज्यादा पसंद आते क्यों, क्योंकि वो फ्री माइंडेड बात करते हैं, उनके एटीट्यूड होगा कभी सोचते ही लड़की को हर्ट होगा क्या बोलने पे, डायरेक्टली बोलते हैं। वैसे आप भी डायरेक्ट बोलने की कोशिश करो, लड़की को बहुत पसंद है डायरेक्ट बोलने वाले बंदे, जो घुमाता है ना लड़कियों को भी पसंद नहीं आता। डायरेक्ट बात करो, एटीट्यूड रखो, केयरिंग बनो, बात करने का तरीका, बात घुमाने का तरीका। अब इस ये सब चार चीज़ तो मैंने बता दी, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, पर पांचवी चीज़ सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट चीज़ है कि गाइस देखो क्या होता है, लड़की तो आप पे इंप्रेस होती है, हर लड़का लड़की को इंप्रेस कर देता है, कभी उसको 2 महीने लगते हैं, किसी को 4 महीने लगते हैं, साल साल बाद लग जाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़,
गाइस आप कैसे हो ना, लड़की को फील करो, विदाउट आपको पहचाने लड़की कुछ भी हो जाए इंप्रेस नहीं होगी। जब तक आप लड़की को फील नहीं कराओगे, आपसे प्यार करते हो, उसको ऐसा जताओगे नहीं कि आपके अंदर का इंसान कैसा है, दिखावा बहुत कर लिया, आप जैसे हो वैसे उसके सामने रहो। उसको एक्सेप्ट हुआ, उसने आपसे प्यार किया, तो रिलेशन बहुत अच्छा तरीका। आप सोचोगे नहीं मैं रोज न्यू कपड़े पहनूंगा, रोज घड़ी पहन लूंगा, वॉच अच्छे अच्छे पहनूंगा, न्यू शूज पहनूंगा, बाल स्पाइस करूंगा, फेशियल कराऊंगा, मेरा थोड़ा सा मेरा इंप्रेशन हाई लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप गाड़ी लेकर आओगे, लड़की दिखावे तक रहेगी आपके साथ, जो आपका रियलिटी है वो उसके सामने, जो जैसे हो आप वैसा उसके सामने रहो। पसंद आए तो अच्छा है, तो आप खुद हट जाओ वहाँ से, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट थिंग है ना, जैसे आप हो लास्ट में फिर घूम फिर के आप वैसे ही रहने वाले। तो जैसे आप हो बंदी के साथ वैसे ही ट्रीट करो, वैसे ही रहो, जो चीज़ें सामने रखो। बंदी को पसंद आएगा तो आपके पीछे खुद पागल हो जाएगी, क्योंकि ना आप कितना भी छुपा लो, आपके खुद के अंदर की जैसे हो आप, वो आप आगे नहीं छुपा पाओगे। जो चीज़ें स्टार्टिंग से रहो उसके साथ में वैसा, पर चिपकू टाइप मत बनो। जैसे वो लड़की को इंप्रेस खुद होगी, आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होगी जो चीज़ को आप दिखा सकते हो, शो अप कर सकते हो, आपके अंदर कुछ तो कुछ अलग होगा जो लड़की आपसे इंप्रेस होगी, तो वो चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दो। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और हर लिटिल वीडियो अपडेट आने के लिए आप क्या करना, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।